ये मैंने यहाँ पर यखनी चढ़ाई हुई भी है चिकन की, क्योंकि मैं आज चिकन पुलाव बनाने जा रही हूँ, तो ये यखनी मैंने यहाँ पर रखी है तैयार होने के लिए। और मैंने इस यखनी के अंदर प्याज कट करके डाले हैं, अदरक है, लहसुन है, और उसके अलावा साबित गरम मसाले हैं, और सौंफ मैंने डाला है। साबित धनिया मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं साबित धनिया पिसा हुआ यूज़ करती हूँ। साबित धनिया जो है वो पीस कर वो मैं रख लेती हूँ, और साबित नहीं डालती, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो साबित धनिया का साबित साबित होता है वो नहीं खाती खाना। देखो इस तरफ सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग मैंने शाम यानी रात 7 साढ़े 7 बजे से शुरू किया, और मैं अभी इस वक्त कपड़े लगाए मैंने यानी कपड़े धो रही हूँ, और इसके साथ ही बच्चे पढ़ रहे थे, आपने देखा सबको। और ये जो मैंने ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैंने लास्ट तकरीबन 1 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये लेस वगैरह दिखाई थी आपको और बताया था जब मैं स्टिच करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये ड्रेस मैंने स्टिच कर लिया था, और तकरीबन 2-3 दिन पहले ही मैंने स्टिच किया होगा इसे। और इसके साथ ही, क्योंकि ये लोकल मार्केट से मैंने ये ड्रेसेस लिए थे, तो ये 1200 के मिले मुझे। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर घर में खुद ही से स्टिच कर लिया जाए, अगर खुद ही से सिलाई आती है आपको, तो आपके 500 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि आजकल कॉटन के ड्रेसेस जो है वो 500 रुपये कम से कम सिलाई है इसकी। तो ये मैंने स्टिच कर दिया था, ये देखें, ये नॉर्मली घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इस तरह के कपड़े। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर यखनी पुलाव बनाने के लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने यखनी बना ली है, यखनी में तो से मैंने जनाब गोश्त ये निकाल के पिसा रखा हुआ है। धनिया है, ये बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाला है, ये जो है काली मिर्च है पिसी हुई, और ज़ीरा है, ये मैंने इसमें यखनी में भी डाल दिया इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये चाट मसाला है, और इसमें थोड़ा सा मैंने जायफल जावित्री भी मिक्स किया है, तो ये मसाला जाते हैं। अदरक लहसुन ऐड कर दिया है इसमें मैंने, और इसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया, टमाटर अब मेरे गल भी चुके हैं, तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। इसको अब अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यखनी में नमक भी ऐड कर दिया था, तो इसमें मुझे नमक डालने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में यखनी का टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं हुआ, थोड़ा नमक कम लगेगा, तो मैं और ऐड करूँगी, लेकिन मैंने इसमें नमक डाल के बॉइल किया, तो मैंने अभी इस वक्त इसमें नमक नहीं ऐड किया। इसके साथ ही अब ये जो मैंने आपको मसाले ज़्यादा दिखाए थे सारे मैं डाल दूँगी। इसको हाई फ्लेम पे भूनना है, हल्दी मैंने इसमें ऐड नहीं की है, बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों को ज़्यादा मसाले चाहिए तो वो भी आ कर सकते हैं। बनाई होगी इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और इसके साथ ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आया, ये मैंने सूखा हुआ पुदीना इसमें डाला है, क्योंकि अभी इस वक्त ताज़ा ताज़ा पुदीना घर पे नहीं था, तो ये देखें ये जो है वो ये सूखा हुआ पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि खाना खुद में तो फिर मसला नहीं है, घर में अगर कभी कुछ अवेलेबल हो ना हो तो मैं बना देती हूँ। मैंने अभी इसमें चावल ऐड कर दिया है, थोड़ा उलट पुलट करेंगे फिर इसमें मैं यखनी ऐड कर दूँगी। मैंने बिल्कुल पीसी मिर्च का ऐड नहीं किया है, मैंने इसमें जब यखनी बनाई थी तो साबित मिर्च डाली थी, और थोड़ी सी लाल मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, हरी मिर्च जो लाल हो जाती हैं वो मैंने इसमें डाल दी थी, और काली मिर्च मैंने इसमें डाली हैं। मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च का बिल्कुल भी एडिशन नहीं किया, मैंने नहीं डाली है इसमें बिल्कुल भी। देखिए जनाब यखनी मैंने डाल दी इसमें,
थोड़ी देर में इसका उबाल आ जाएगा। कलर मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया इसमें, ये देखिए चावल बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है, पर टेस्ट इसका निराला होगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसे हिला डुला के बस इसको बंद कर दूँगी, कवर करके रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया और माशाल्लाह से खाना आप देख सकते हैं कि हद तक हसीन और जमील, यानी बहुत खूबसूरत है। और बहुत ज़ोरों की भूख लगी क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो हम सब एक साथ ही इकट्ठे बैठे हैं खाना खाने, और मैंने साथ ही प्याज का सलाद बना लिया था और दही का रायता बनाया था। दही के रायते में मैंने सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च और भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला था और नमक, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और यहाँ मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, और इसके बाद मैंने अपनी प्लेट ले ली है और अब मैं बिस्मिल्लाह करने वाली हूँ। तो आप लोगों का भी दिल चाहता है तो आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। कभी कभार ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मेरा दिल नहीं होता बिल्कुल भी, दिल चाहता बस बाहर से खाना मंगा के खा लूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार सही है और बाहर का खाना कोई इतना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होता। तो खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बना है, और जब भूख लगी होती होती हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही बच्चे हमारे साथ हैं, ये देखें। और मेरे बच्चों की माशाल्लाह आदत ये है कि वो अपने मामा पापा के साथ ही, सिर्फ सुबह का नाश्ता हमारे साथ नहीं होता, बाकी ये लोग स्कूल से आते हैं दोपहर में भी हमारे साथ खाते हैं, रात का खाना भी हमारे साथ ही खाते हैं। तो जनाब अब बज गए हैं रात के 11 और 5 मिनट बाकी, सिर्फ 11 बजे में, और ये अभी अभी जस्ट अभी मैं फारिग हुई हूँ कपड़े धोकर, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और टाइम इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस वजह से मैं तो कपड़े नहीं धो रही थी, इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस वक्त। तो जनाब अब आराम का वक्त शुरू हो गया है मेरे, और आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और दुआ में। तो जनाब अब बज चुके हैं रात के 12:15, और क्योंकि आज मैंने तकरीबन 6 घंटे मुसलसल कपड़े धोए तो थोड़ा अपना केयर भी कर लेना चाहिए, तो मैंने इस वजह से अंडे बॉईल किए और ग्रीन टी ले रही हूँ रात के इस वक्त। और बिल्कुल मेरा दिल नहीं है अंडे खाने का, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल भी दिल नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि दिल चाह रहा बस मैं लेटूँ आराम करूँ और अंडे बिल्कुल ना खाऊँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने कहा है कि अगर तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो तुम शराफत से अंडे बॉयल करो और खा लो। इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और जाते जाते बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फी अमान अल्लाह।
तो जनाब अब इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और जाते जाते बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फी अमान अल्लाह।